नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। आज आपको लाल किताब क्या है, लाल किताब का उद्भव और लाल किताब एस्ट्रोलॉजी के क्या बेनिफिट्स है, वो विषय के ऊपर जानकारी दूंगा। आप सभी से मेरी नम्र विनंती है कि इस विषय को समझने के लिए ये वीडियो आप अंत तक अवश्य देखें। ज्योतिष के रसिक तो अवश्य ही ये वीडियो देखेंगे, लेकिन जो लोग ज्योतिष से रूठ गए या उनको ज्योतिष में कुछ गलत अनुभव हुआ है या जो लोग ज्योतिष को बिल्कुल मानते नहीं हैं, उन लोगों को आप ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। लाल किताब की रचना पंडित रूपचंद जोशी ने भारत की आज़ादी से पूर्व की थी। उन्होंने 5 भाग के अंदर लाल किताब पुस्तकें लिखी थी। प्रथम ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी। आपको पता है कि पहले के सभी पुस्तक का कवर पेज रेड होता था, तो इसीलिए इसका नाम लाल किताब हो गया। इसका दूसरा नाम संसार के सुख दुखों का हिसाब भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता है व्यक्ति जो कर्म करता है उसका ही शुभ या अशुभ फल, यानी कि पाप पुण्य का फल पाने के लिए वो अगला जन्म लेता है, और उसी जन्म के अंदर अपने पाप पुण्य अनुसार कुंडली के 9 ग्रह 12 स्थान में विराजमान होते हैं। लाल किताब के अंदर हर एक ग्रह को किसी ना किसी संबंध से कनेक्ट कर दिया है। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दूषित है या चंद्र राहु के साथ या शनि के साथ होता है या है, तो ये योग उसका इसलिए बना है कि उसने अपने पूर्व जन्म में माता के साथ या माता समान कोई भी संबंधी के साथ दुर्व्यवहार किया होगा या उनको दुख पहुंचाया होगा, इसीलिए ये जन्म की कुंडली में इसका ये योग आया है। अभी ऐसे व्यक्ति को क्या करना है, सिंपल माता के आशीर्वाद लेना है। जब भी कभी वो कन्फ्यूज हो जाता है, निराश हो जाता है, तो माता के पास जाना है और माता से बातचीत करनी है। ये सिंपल रेमेडी करेगा तो उसका चंद्र ठीक हो जाएगा, उसको ना ही किसी पूजा पाठ या कर्मकांड करने की ज़रूरत है। ऐसे चंद्र संबंधी काफ़ी ऐसे उपाय दिए हैं कि जो आप करोगे, घरगत्तू उपाय है, आप करोगे तो आपका उससे दान पुण्य भी होगा। जैसे किसी कुंडली में मंगल में दिक्कत है तो उसको क्या करना है, अपने फैमिली में जो भी स्त्री संबंधी है, ज़्यादातर सिस्टर, बुआ या अन्य कोई भी, जब भी उनके घर पे जाते हैं तो उनको स्वीट देना है। तो और आप मछलियों को भी रेवड़ी या पतासा खिलाएंगे तो भी इससे मंगल खुश हो जाएगा, मंगल का दोष निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे 9 ग्रहों के काफ़ी छोटे 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 इतने अच्छे उपाय बताए गए हैं, और यहाँ तो मैंने आपको सागर को मैंने गागर में समाने की बात की है, बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों लाल किताब के अंदर जन्म कुंडली पूरा एनालिसिस के साथ आप ईयर कुंडली, मंथली कुंडली भी आप बना के या डेली कुंडली भी बना के आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं और उससे आप तुरंत रिजल्ट भी पा सकते हैं। मैं खुद लाल किताब की प्रैक्टिस के साथ साथ पराशर ज्योतिष, अपना वैदिक ज्योतिष की भी प्रैक्टिस करता हूँ। आपको भी अपनी कोई भी समस्या के लिए आप मेरा अवश्य संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।